नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा YouTube चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, हमने पिछले एपिसोड्स में आपको हिंदी वर्णमाला के हिसाब से जन्म राशि और उसका स्वभाव बताया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जातक का स्वभाव और उसके लिए उपाय बताएंगे। आज हम बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर की। के लेटर में जन्मे व्यक्ति पर चंद्रमा का आधिपत्य आता है। चंद्रमा के प्रभाव के चलते यह लोग काफी बुद्धिमान होते हैं, कला का आदर करने वाले होते हैं और स्वयं भी किसी न किसी कला में माहिर होते हैं। किस शब्द का प्रयोग कहां करना है और कैसे करना है यह लोग बखूबी जानते हैं। स्वभाव से हाजिर जवाब, दूसरों की बात में कमियां निकालने में माहिर, घूमने फिरने के शौकीन, जल्द ही सब में घुलने मिलने वाले, हसमुख प्रकृति के, पुरानी रूढ़िवादी सोच को उखाड़ फेंकने के पक्ष में रहते हैं। यह लोग स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और जीवन में किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं करते। धन के मामलों में यह लोग बहुत भाग्यवान होते हैं। आत्मविश्वास की मात्रा घटती बढ़ती रहती है जिससे कि यह लोग परेशान रहते हैं। इन्हें किसी ऐसे दोस्त की जरूरत होती है जो इनकी हर बात को सुने, समझे और सही मार्ग बताए। फैशन से इन लोगों का कुछ ज्यादा ही लगाव होता है। बुरी संगत से इन्हें सदैव बचकर रहना चाहिए। इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खराब स्थिति में हो तो झूठ बोलने वाले और चुगली करने में सदैव आगे रहते हैं। फिजूल खर्ची से इन्हें सदैव बचकर रहना चाहिए। के लेटर वालों की आजीविका और व्यवसाय, कला का क्षेत्र, रचनात्मक कार्य, मीडिया, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, चिकित्सक, बैंकिंग, नेता और माली के लेटर के अंतर्गत आते हैं। शुभ वार, आपके लिए सोमवार और बृहस्पतिवार सबसे शुभ है। शुभ दिशा, उत्तर दिशा आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ है। शुभ अंक, 2 और 3 अंक आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ है। शुभ रंग, क्रीम, पर्पल, सफेद आपके लिए बहुत शुभ है। नवरत्न, सफेद और पिंक मोती आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ है। रुद्राक्ष, 2 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इष्ट देवता, आपके इष्ट देव भगवान शिव हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।